और अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का 29 मई को मुल्तान में जलसे का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में तकरीर से खताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत और साजिश की पैदावार हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर को तैयार पाया, क्या मुल्तान तैयार है? पीटीआई मुल्तान में 29 मई को जलसा करेगी, मुल्तान के अखबार करेंगे। मुल्तान एक तारीखी किरदार अदा करने वाला है। शाह महमूद कुरैशी का इलेक्शन कमीशन के जिला दफ्तर के बाहर 26 अप्रैल को एहतजाज का ऐलान। बोले 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के जिला दफ्तर के सामने एहतजाज होगा। काबीना के नेफ्स वजीर जमानतों पर हैं। 13 जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद जल्द बिखर जाएगा। हिसाब चुकाने का वक्त करीब है। आने वाले इंतखाबात में इनको शिकस्त होगी। 30 मई को इमरान मुल्तान में होगा। अभी से निकल पड़ो और इमरान खान के तारीखी इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर दो। आपने पेशावर के लोगों की मोहब्बत देखी थी, आपने कराची में आवाम का समंदर देखा था, लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा देखा था। इससे जाहिर ये होता है कि पाकिस्तान के लोगों ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। क्या मुल्तान तैयार है? 26 तारीख पूरे पाकिस्तान में हर जिले में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन का जो जिला दफ्तर है उसके सामने पुरमन एहतजाज कर रहा है। निस्फ से ज्यादा काबीना में वो वजीर हैं जो जमानतों पर हैं। ये जो आपको एक अलायंस दिख रहा है 13 जमातों का, ये गैर फितरी अलायंस है, ये बिखर जाएगा इंशाल्लाह। हिसाब चुकाने का वक्त करीब है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।